हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया है। और भैया, आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है क्योंकि मैंने घर का सारा काम कर लिया है फिनिश। और भाई, मैं नहा धो के तैयार हो ली हूँ, तो आज मेरा मन कर रहा कि मैं एक रील्स बना लूँ। काफ़ी दिन का रखा था मेरा ये सूट, तो मैं सोचा चलो भाई ये सूट और ये चुन्नी पहन लेती हूँ, एक अच्छी सी रील बना लूँ। और ये देखिए, ये लेके आई थी मैं कई दिन पहले कानों के, जो मैंने आपको पहले भी दिखाए होंगे, और मैं आज पहन रही हूँ इनको। थोड़ा सा ये अच्छे लगे इसके ऊपर, तो मैं सोचा चलो ये पहन के तब रील बना लेती हूँ। और कई सारे काम ऐसे हैं जो मेरे करने पेंडिंग है, जो भाई मेरे नीचे गेम रखे हैं, वो मैं एक दिन उसमें डालूँगी, टंकी में डालूँगी। और छोटे मोटे कई काम हैं वो करूँगी, बाकी घर का सारा काम हो गया है। आज बनाई थी मज़ेदार सी भिंडी की सब्ज़ी और रायता, रोटी और सेक, तो खा के कोई मज़ा सा आ गया। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी नींद आ गई थी, सोचा भी जड़ पोचा काम हो चुका था, एक घंटा सो लेती हूँ। फिर उठने के बाद सोचा चलो भाई अब बना लेती हूँ एक रील्स, और जाकर उसको भी पूरा फुल सपोर्ट कीजिए और ब्लॉग को ना फुल देखा करो। मैं बिना देखे भाई आप ऐसे ही लाइक कमेंट कर दो हो, तो पूरा देख के तब लाइक कमेंट किया करो। और चैनल पर नए होना तो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, क्योंकि मुझे आप सबके ना सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भाई आपके जो कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। और आगे आपको भाई अच्छे अच्छे ब्लॉग मिला करेंगे। एक दो दिन में बच्चे स्कूल जाने लग जाएंगे और फिर भाई अपना वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा, सुबह का काम, बच्चे को स्कूल में छोड़ के आना, लेके आना, घर का बाकी काम, बस पूरा दिन ऐसे ही चलता रहेगा। तो बस अभी कर रहे हैं बच्चों की स्कूल जाने की तैयारी, उनकी ड्रेस वगैरह, वही लंच बॉक्स से जो सारी चीज़ें निकाल के बाहर रखने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे ना, एक महीने के करीब हो गया, सब कुछ भैया अंदर पैक कर रखा था, ड्रेस वगैरह, बैग वूग, तो अभी सारी चीज़ें निकाल देंगे और बच्चों की करेंगी अभी एक दो दिन में तैयारी। और अभी दीदी सो रही हैं, बच्चे टीवी देख रहे हैं, तो छुट्टियों का फुल आनंद लिया जा रहा है। काम करने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता, पर थोड़ा सा ये है कि हाँ भैया अपना टाइम पर हो जाए तो पूरा दिन फ्री रहते हैं, और भैया ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की एल्बम, काफ़ी पुरानी भई, काफ़ी टाइम हो चुका है, आप सब देखना और बताना कि आपको कैसी लगी। तो जिस दिन मेरे को पूरा टाइम होगा अच्छे से, हम फ्री होके बैठेंगे, तब मैं आपको दिखाऊंगी अपनी शादी की एल्बम। और भई जो मेरी पहले वाली वीडियो हैं बहुत सारी हैं, तो उनको फुल सपोर्ट किया करो, लाइक शेयर और कमेंट, बार बार ना कहना पड़े, आपका कुछ नहीं जाता है, और मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ भैया आप लोग मुझे फुल सपोर्ट कर रहे हो। देखिए मेरे ना बाल इतने ज़्यादा टूटने लगे हैं और फुल इतना ज़्यादा होने लग गया है, बहुत ही ज़्यादा, और मैं पूरा ध्यान भी रखती हूँ तब भी। चलो एक दिन मैं नहीं लगाऊँगी, थोड़े थोड़े बाल वैसे हो रहे हैं थोड़े से रब से, तो इनके एक दिन करेंगे अच्छे से केयर। और मैं अभी तक भी थ्रेडिंग बनवा के एक दिन मैं गई थी पार्लर में, तो वहाँ पर वो थी नहीं, तो बाकी काम मैं कुछ नहीं करा पाई, तो मैंने सोचा था मैनीक्योर पेडीक्योर और फेशियल करवाऊंगी, तो वो सब हो नहीं पाया, तो दो चार दिन में मैं जाऊँगी, तो ये सारी चीज़ करवा लूँगी। और फिलहाल भाई फेस का भी ध्यान रखना जरूरी, पर टाइम नहीं लगता, उसके बाद मेरे को टाइम लगे, उस दिन वो नहीं थी, तो बस थ्रेडिंग करवा के मैं कहीं और थी तब मैं आ गई थी, तो पूरे फेस की भाई अब ये छुट्टियाँ थी, तो इधर उधर बाहर जाके बैंड बज चुकी है। तो भाई चलो ठीक है, अब जो भी बाकी दिन का काम है वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। टंकी में मारे भाई दियारी आला मनासा कुकर मारे बंदा सुनो सर पर ठा लेंगे ना कन मेरे कर लियो है नौकर के तरी कांटे में चुटती कांटे में चुट के तो सर तो ऐसा मन खराब ना होगा मेरा क्यों खड़े को देला बोल दे डाकू गुंडा मवाली ले ले फिर बदल दे हाथों भाई इतना गणा भी सरा दिया तो यूं कर लूं बस पाला त्रेस तो इसी पर ही वे तुमको बड़ी गल लगी
कबड्डी के सारा दिन वो बस पड़ी पड़ी में सोची क्यों सूट खराब करे अपना ये पहन लो चल गल ला एक कबड्डी देख हां कबड्डी गल थी मेरी गल मंडा लिया थाना कोई ना रोकता मैं तो okay, फिर घुमा के लेके आएंगे। चला जाओ क्यों करवा चलो आपको उठाने हमको थोड़ी उठाने चलो टूट जाएगा ले तो बेहोश हो जाएंगे लुढ़क जाएंगे चले बनाई होता है कोई बात है नो थोड़ी है यो भी ले जाना है इतने क्या तेरा के ना मशीन ने ले बे मेरे ट्रैश की टूट गई ये बहुत डर क्या से हाल है ना रही ना पकड़ पाओ ना ना ये वे चढ़ देंगे से सच खतरवाना है एक बात है कैसा ना की मत छे इतना बोल छटा गर्दन में झटका झटका लग जाए देख लो आज मामा का सारा जोश बस ऊपर टंकी में अरे गिर गया ना 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 पड़ लो वो अच्छी बात ना ले लो वो भी आ गया ना सही आ गई और खेती कर रही हूं ना तू थोड़ी है हटियो बुआ इससे के ऊपर रख दो बंदर बुंदर कटर नहीं बंदर बंदर कर दे पहले इन्हें डाल दो बारिश पूरी शाम हुई ना तो भी जाएंगे अब ये मम्मा ये कट्टा बांध के इसके ऊपर रख दो फिर वो जो दूसरा कट्टा है वो रख दो टंकी है ऊपर ये भी ना उठा मम्मा उठ गया इतना तो बुआ ने हाथ लगवा के उठवा लिया जरूर है वाह सारे कपड़े गंदे हो गए पजामा ऊपर का नीचे का ये को मैं। ये गिर देखियो
जगह टीना धुलवा दी तो आपके हाथ तो वीडियो में सोचे चलो भी थोड़ा देखा जा काम कितना काम करा हां इतना काम करा हां मार मंडा सा खेत कमाओ ओहो गाड़ी भी धुलवाएंगे फिर पता चलेगा कितना काम कर रही नहीं कर रहा अरे काम कर रहा हूं देख कि कितना 2 किलो कट कर दूं मैं लाइव पैनल कटे नहीं सोच रहे हो ना इतना नहीं रखती होगी इन्हें क्या पता ज्वार बताइए कमेंट करके अब कौन सी सब्जी का सीजन आ रहा है जो भाई हमने बोनी चाहिए पालक और मेरे साथ धनिया वगैरह पेठा मिर्च पेठा पिछली बार किया था गिया नहीं गिया नहीं गिया नहीं गिया नहीं गिया खाने खाने की ठीक है अंकल क्या बोले इसकी गाड़ी की ये बोले 5 मिनट में आया आए नहीं बीच में तो कई दिनों पड़ा था अपनी गाड़ी गाड़ी के इधर से करते थे पहले अच्छे से इधर से कर लो फिर गाड़ी धो के ना फिर अंदर कर देंगे मैं भी तो वही कह रहा हूँ पहले अपनी गाड़ी के इस साइड वाला करो कई दिन हो गए चलाया तो है नहीं आपने भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था गाड़ी बाहर निकलवा दी है और गाड़ी को साफ करके इसका कवर नहीं आया था तो हमने इसलिए भैया से खड़ी कर रखी थी सोचा भाई गंदी हो रही है बारिश के मौसम में अब इसको साफ़ करके बगड़ को भी साफ़ करते हैं और गाड़ी को भी साफ़ करके उसको कवर से ढक देंगे तो भाई इसको साफ़ कर दिया था मैंने बिल्कुल और फिर इसके बाद भाई गाड़ी धोने लगी थी मैं अगर वीडियो आपने बड़ी अलग ही हो ना तो लाइक ज़रूर कर दी और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर दी और फुल सपोर्ट कराया करो और पूरी वीडियो देखा करो और भाई जितना आप तक सपोर्ट करते हो उतना आगे भी करते रहना जितना भाई आप ये कर रहे हो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू और भाई देखो वीडियो पूरी तो मैं यहाँ इसको साफ़ करने के बाद मैं गाड़ी साफ़ करने लगी थी देखा उतरी ना मिट्टी को थी क्या जरूरत कपड़ा ही तो मारना है इसके बाद कपड़े मार लेंगे वे आई आंटी यार अभी 17:17 5:17 चलो भाई राम राम हमने कर दी है गाड़ी साफ खाओ पियो मौज उड़ाओ और फुल देखियो वीडियो ने और भी जाते जाते लाइक जरूर कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो ठीक है ओके बाय बाय टाटा।